क्या सिंधिया पर आई मुश्किलों का पहाड़? क्या बीजेपी करेगी सिंधिया का पत्ता साफ? मचा हड़कंप। आपको बताते चलें, मध्य प्रदेश में कर्नाटक विधानसभा चुनाव की रणनीति की गहराई से समीक्षा की जा रही है। कांग्रेस ने क्या रणनीति अपनाई जो उसे इस माहौल में भी सफलता मिल पाई? भाजपा ने कौन सी गलती की जो नरेंद्र मोदी का प्रयास भी विफल हो गया? और दूसरे दलों से भाजपा में आने वाले नेताओं को महत्व दिए जाने का फायदा हुआ या नुकसान? वहां भी कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की सरकार बनी। यहां भी कांग्रेस के विधायक भाजपा में शामिल हुए और भाजपा की सरकार बनी। वहां भी उपचुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायक चुनाव हार गए थे। यहां भी उपचुनाव में कांग्रेस के कुछ विधायक चुनाव हार गए थे। वहां भी भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं और कांग्रेस पार्टी से आए विधायकों के समर्थकों के बीच खुला संघर्ष हुआ। तो यहां भी भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं और ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थकों के बीच खुला संघर्ष चल रहा है। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए कार्यकर्ताओं के नेता आज भी श्रीमंत महाराज साहब ही हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी में संगठन महत्वपूर्ण होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता। सिंधिया समर्थक खुलेआम बयानबाजी करते हैं, कहते हैं कि उनके लिए उनका नेता सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधिया समर्थकों के बयान भाजपा के आधार पाठ्यक्रम के खिलाफ है। तो यही कारण है कि सिंधिया समर्थक और भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ताओं के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो जाते हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव के नतीजों के बाद मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अधिक मुखर हो गए हैं। अब उनके पास कुछ आंकड़े भी हैं जो ये बता रहे हैं कि अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दल बदलने वाले नेताओं का महत्व देने का भाजपा को कितना नुकसान उठाना पड़ता है। फिलहाल आपको बताते चले कि चुनाव से पहले भाजपा और सिंधिया समर्थकों में ये लगातार जो हड़कंप मचा होता है, कहीं ना कहीं इस बात का ये संकेत देता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कहीं फिर से भाजपा को कर्नाटक की तरह मुंह की ना खानी पड़ी। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।